मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होगी, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजौन ने भोपाल में प्रेस वार्ता की है। इस प्रेस वार्ता में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजौन ने कहा कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में मतगणना होनी है, जिसके लिए सभी जगहों पर व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजौन ने कहा कि एक हॉल में एक ही विधानसभा सीटों की वोटों की गिनती की जाएगी। वैसे 14 टेबल लगाई जाती है, लेकिन जिन विधानसभा क्षेत्र में अधिक पोलिंग सेंटर है वहां पर इन टेबलों की संख्या 21 तक की गई है। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान बिजली व्यवस्था सुचारू रहे, इसके लिए ऊर्जा विभाग को निर्देशित किए गए हैं। प्रदेश के 52 जिलों में मतों की गिनती होगी और सबसे पहले डाक मतपत्रों को गिना जाएगा। वहीं मतगणना की रिकॉर्डिंग होनी है। खास बात यह है कि सुबह 5 बजे से ये चुनाव कर्मियों को पता होगा कि उन्हें किस टेबल पर मतगणना करनी है, इसकी व्यवस्था भी की गई है। जो मतदान का प्रतिशत है 2023 विधानसभा का, वो 77.82 होता है, 77.82। जो पिछले विधानसभा चुनाव में हमारा जो मतदान का परसेंटेज था वो 75.63 था, तो पिछले विधानसभा चुनाव से जो मतदान का प्रतिशत है वो 2.19% ज्यादा है, 2.19% ज्यादा मतदान हुआ। जो अधिक मतदान और कम मतदान वाले जो विधानसभा क्षेत्र रहे, सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत जो रिकॉर्ड हुआ वो सैलाना में हुआ, जहाँ पे 90.10% वोट हुआ। और जो जोबट विधानसभा में सबसे कम मतदान हुआ, जो 54.37% हुआ। इसी तरह से यदि हम जिले को देखते हैं तो सिवनी जिले में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, जो 86.29% था, और अलीराजपुर में सबसे कम मतदान हुआ, जो 61.81% था।